Hello everyone, today I'm going to show you how I have recreated this space using simple techniques. So this is how this balcony looks like, and before starting work on it, I had made its layout on a paper. तो पहले ये बालकनी कुछ ऐसी दिखती थी. So let's see how we transform this place step by step. Firstly, I painted the railing with the white paint. Then I made a brick pattern on wall. I chose water-based yellow wall color. This wall has a pattern where the bricks are fading away. So you need to give some gaps while placing the sponge. Like I have placed one sponge here, so I'm going to leave some gap and then place it over here. So this way you can create the whole wall here. दूसरा element जो हमने यहाँ incorporate किया वो है beer bottles का. तो ये bottles हमारे पास पड़ी थी जिसको हमने यहाँ पे place किया है, and they look lovely when you switch them on at night. So अब ये bottles को आपको place कैसे करना है, let's see. हमने ड्रिलिंग मशीन यूज़ करके यहाँ पर ये प्लेस नेल प्लेस किया है, और इस नेल प्लेस से आप थ्रेड को इस पर वाइंड करेंगे और उस थ्रेड को बॉटल के अराउंड वाइंड करेंगे, और ये बॉटल इस तरह से प्लेस हो जाएगी. तो आप चाहें तो यहाँ पे डबल साइडेड टेप लगा सकते हैं टू मेक इट मोर स्टेबल, बट वैसे भी ये स्टेबल रहेगी. बिलीव मी, यहाँ पे साइक्लोन आया है, रेन वॉज देयर, बट ये बॉटल्स टच वुड दे आर लाइक हेयर. सो आप बॉटल्स का कोई भी पैटर्न यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं. मैंने यहाँ पर W पैटर्न यूज़ किया था. पैटर्न यूज़ करने के बाद द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ टू क्रिएट द लाइटिंग इफेक्ट. तो आप फेरी लाइट्स यूज़ कर सकते हैं, दे आर ईजिली अवेलेबल इन द मार्केट, वेरी चीप, और इन फेरी लाइट्स को मैंने बॉटल के अंदर इनकॉर्पोरेट किया है. सो दे हैव गिवन मी दिस इफेक्ट. सो दिस इज़ हाउ इट लुक्स एट नाइट, और आप देख सकते हैं बियर बॉटल्स में फेरी लाइट्स विच आर लुकिंग वंडरफुल. आई लव दीज ब्लू लाइट्स, एंड दिस इज़ द 2020 सेलिब्रेशन, द न्यू ईयर सेलिब्रेशन वी हैड इन आर बालकनी. नाउ एज यू कैन सी, वी हैव गिवन एन एथनिक टच टू द बियर बॉटल पैटर्न. ये एथनिक टच देने के लिए हमने आर्ट पीस यहाँ इस्टेब्लिश किया that I bought from outside, और इनके बीच में we have placed the dolls, and this is in contrast with the yellow color. Now as you can look around, let's move to the third element, and that is our base wall. If you look at the base wall, we have given an aquatic life theme to it. I have merged two colors there. I already had blue and yellow, and I merged both of them to create the in-between green color. Then my husband painted the aquatic life onto the wall with the white paint, giving it a vibrant look. एक wall हमने yellow brick pattern से decorate की, और base wall पे हमने aquatic life बनाई. This has a yellow touch, and this gives uniformity to your balcony. Then I have placed a star. ये मैंने क्रिसमस पे लगाया था, और अभी तो ये पुराना हो गया है, but this also gives a good effect क्योंकि इसके अंदर हमने lighting करी है. तो I'm going to show you in the pictures कि ये light में, after light, रात में ये कैसा दिखता है. लास्ट इफेक्ट वी हैव यूज, ऑब्वियसली योर बालकनी इज नॉट कम्प्लीट जब तक आप यहाँ प्लांट्स नहीं रखोगे. तो ये मैंने एक मनी प्लांट क्रीपर यूज़ किया. इट वॉज़ वेरी स्मॉल वैन वी गॉट इट हेयर, बट अगर आप ऐसे हैंगिंग पॉट्स यूज़ करते हो, इट कैन रियली गिव यू अ नाइस लुक टू द रेलिंग एज वेल. तो अगर आपकी रेलिंग को हमने वाइट पेंट किया है, और कुछ ऐड करने की जगह वी हैव प्लेस दिस मनी प्लांट क्रीपर हेयर. सिमिलरली ऑन द अदर साइड इफ यू सी, वी हैव दिस स्पाइडर प्लांट, और इस स्पाइडर प्लांट में से नाउ अनदर स्पाइडर बेबी स्पाइडर प्लांट हैव कम अप, तो आई हैव पुट अनदर पॉट ओवर देयर. वन प्लांट दैट आई मस्ट से दैट गिव्स अ वेरी गुड लुक टू योर बालकनी इज एरिका पाम, और ये बहुत ईजिली ग्रो करता है.
So if you can place these, that's going to do a wonderful effect. We get to spend a lot of time over here. There are many things that we do, and that is not even important for someone who wants to use it for some different purpose. But a small, I call it a cafe spot in your home, enables you to enjoy time with your loved ones, doing what the common interests could be shared between you two. We play chess. We do gardening over here on the small pots, if that qualifies to be called as gardening. We paint over here. Talking about the last element here is the pots. So it entirely depends on your choice, आप कैसे pots लेने हैं. But I would recommend जो आपका wall color है, अगर आप उससे contrasting में pots लेते हैं, like I have used blue and yellow contrast over green and yellow, here orange. Then I also have some colored plant leaves also. So that is going to give another beautiful effect here. So this is how you can recreate your balcony with a table, a sleeping arrangement, some lighting effect. That can become a great place to sit whenever you feel like going out. Now my wife has a penchant for painting. She will paint everything. I had to hold her from painting these plastic pots also that you can see. Otherwise she would have painted this also. So, but what you can see behind these pots is a wall that was not like this before. If it has been covered, yes, it's been covered. So this is my creativity, because I was pushed into painting, and then I discovered that yes, painting really relieves you of the entanglements that needs to be relieved of only by letting that creativity out of your box. So paint in your space, why not? She is going to tell about in her video that is going to be a part of this series, and anything else that we think is necessary to be known to all who are looking forward to making such a space a part of their home. We are on it. So keep watching, stay tuned.